गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद यूजेस ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कहाँ होते हैं? जब हम कोई नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स लाइक दिस, इससे हम जनरल फॉर्मूलाज भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। इसमें हम रूल्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे एंड कॉमन रूल्स ऑफ एरिथमेटिक्स। नाउ सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी चीज़ हम पेरीमीटर अगर उसका फाइंड आउट करना है तो उसकी सारी साइड्स के सम को बोलते हैं पेरीमीटर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि स्क्वायर के चार इक्वल साइड्स होते हैं। लेट से यहाँ हमने जो स्क्वायर लिया है उसका एक साइड एल है, दैट मीन्स बाकी साइड्स भी एल हैं। पेरीमीटर क्या होता है? इन सब का सम, दैट इज लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। इसको एक तरीका होता है ऐसे लिखने का। अदर वे इज हमें पता है 4 है इंटू एल। अगर हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी द सेम। चार बारी ऐड करने से इजी है, उसको एक बारी सिर्फ आप मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करो। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू द साइड लेंथ। सिमिलरली फॉर अ रेक्टेंगल वी नो कि दोनों लेंथ्स रेक्टेंगल की सेम होती है और ब्रेथ सेम होता है। तो व्हाट डू वी डू फॉर पेरीमीटर? अगेन यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट सो मेनी टाइम्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाता है 2L प्लस 2B। सिमिलरली एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज द फॉर्मूला, लेंथ इन टू द ब्रेथ। नाउ कॉमन रूल्स ऑफ एरिथमेटिक। अभी हमें अगर अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 9 प्लस 3, तो हमें पता है द आंसर विल बी 12। यही अगर मैं 3 और 9 की प्लेसेस इंटरचेंज कर दूँ, आपस में बदल दूँ एंड बोलूं कि 3 प्लस 9 कितना होगा, तो भी हमारा आंसर 12 ही आएगा। दैट मीन्स कि एक नंबर को दूसरे से ऐड करते हैं और उसकी प्लेसेस से इंटरचेंज कर देते हैं तो भी आंसर सेम रहता है। और इस रूल को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज सिमिलरली अगर 9 प्लस 3 प्लस 2 करूँ, या फिर हम थोड़े डिफरेंट वे में इसको लिखें, 9 बाहर और ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2। लेट्स सॉल्व एंड सी। अब हमें पता है जो भी ब्रैकेट में पहले गिवन होता है वो हम सॉल्व करते हैं बिफोर डूइंग दी अदर ऑपरेशन। तो दिस इज 12 प्लस 2 होता है 14। सिमिलरली यहाँ पे 9 प्लस हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे 5, दिस विल ऑल्सो कम एज 14। तो इधर भी वाइल ओपनिंग द ब्रैकेट्स, या अगर हम पहले ये लिखें और बाद में ये ऐड करें, द आंसर रिमेन्स द सेम। एंड दिस इज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट में वेरी सिंपल, इफ आई से 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3, दोनों का आंसर 6 ही आता है। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में भी अगर हम ऐसे होल नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो भी वो सेम रहता है। एंड दिस रूल इज कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर्स। यही हम 3 डिजिट्स का करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 अगेन, या फिर फर्स्ट वाला बाहर रहेगा, दैट इज 3 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 2। इसका आंसर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 2 आएगा विच इज 12। ये 3 इंटू 4 आएगा, 3 4 12, दोनों केसेस में सेम रहता है। तो दैट मीन्स कि ब्रैकेट्स के होने से, ये ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज होने से या फिर एक बाहर नंबर रहने से द आंसर डज नॉट चेंज। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम a इंटू बी प्लस सी, फॉर एग्जाम्पल वी टेक 2 इंटू 4 प्लस 2, या फिर a यहाँ पे क्या है 2 इंटू b इज 4
ऐसे लिखें या फिर ए इंटू सी दैट इज टू. इन दोनों का भी आंसर सेम आएगा. लेट्स सॉल्व. दिस इज 2 इंटू 4 प्लस 2 इज 6 दैट इज 12. यहाँ 4 टू ज 8 प्लस 4 ये भी 12 आता है. तो दिस मीन्स इसका भी आंसर सेम होगा. नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर एक्सरसाइज 12.2. अब यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स के बारे में पहले भी पढ़ा है. साइज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एल. एक्सप्रेस इट्स एज पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एल. तो वी नो पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में. साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू एल. एंड हमें पता है कि पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. नाउ यहाँ पे हमें एक साइड बताई है तो हमें बाकी साइड्स भी कैसे पता चलेंगी. ऑल साइड्स का सम अगर लिखना है ये भी मेंशन है दैट इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है. ऑल साइड्स आर इक्वल. तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू अगर हम लेट्स से क्वेश्चन में एल गिवन है एल प्लस एल प्लस एल विच विल बी इक्वल टू 3L. तो पैरामीटर ऑफ पेरीमीटर सॉरी मैं तब से पैरामीटर बोल रही थी. इट इज पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विल बी 3 इंटू एल और 3L. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइड ऑफ अ हेक्सागन इज L. एक्सप्रेस इट्स पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ L. अब ये रेगुलर हेक्सागन की बात करी है इस क्वेश्चन में. दैट मीन्स इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे. हेक्सागन मतलब उसके कितने साइड्स होते हैं. 6 साइड्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. तो लेट्स राइट कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में. साइड ऑफ द हेक्सागन. अब हमें पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना है इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब सारे साइड्स को प्लस करके. तो दिस इज 1 2 3 4 5 6. तो 6 टाइम्स हम एल लिखेंगे और द अदर वे इज 6L. सो पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन विल बी इक्वल टू 6L. Now, next question है length of an edge of a cube is L. Find the formula for sum of all the of lengths of all the edges. Now, यहाँ पे मैंने एक क्यूब लिया है and sum of all the edges. अगर लेना है तो per side हम दो lengths लेंगे because यहाँ पे ये वाली count हो जाएगी और ये वाली इधर. ये same है क्योंकि. So, this is the first one. ये second हो गई. This is third, this is fourth, this is fifth, sixth, seventh, eighth, nine and ten. This is already done. This is 11 and this is 12. तो हमने 12 lengths count करी है. We'll check कि सारी हुई है कि नहीं. All of them are covered. So, we write it 12 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं एज 12L. तो फॉर्मूला फॉर
sum of all lengths of all edges of a cube will be equal to 12 into L, ya fir 12L. Now in the last question, radius of a circle is L. Radius हमें पता है center से the out center से यहाँ तक का जो measurement होता है वो radius होता है and इसका अगर पूरा हम measurement लेंगे that is the diameter. तो दो radius अगर मैं combine कर दूँ तो diameter आ जाएगा. That means ये R है एंड अगर इस पूरे की बात करते हैं तो ये डायमीटर हो जाता है. सो रेडियस इज आर, एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ आर. गिवन क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट इज आर. डायमीटर हो सकता है आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2R. Therefore, diameter in terms of R is equal to 2R.